और भी शेर हो और शेरनी हो। तो फाइनली डेट शीट आ गई CBSE की, और जो हमारा फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 6 मार्च को डिसाइड हुआ है। आई थिंक सबको पता लग गया होगा ये। तो चलिए अब यहाँ पर बोर्ड पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं, पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रिपरेशनल स्ट्रेटजी टू गेट एक्स आउट ऑफ 70 मार्क्स। भाई दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें बता सके कि ऐसे पढ़ लो तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारे कितने नंबर आएंगे, इसको ऐसे पढ़ोगे तो इतने नंबर, ऐसे पढ़ोगे तो इतने नंबर, ये सब बकवास है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पेपर उस दिन आ जाए, तुम्हारी मेंटल हालत उस दिन क्या है, तुम स्ट्रेस में आ गए या तुमने फ्री माइंड से पेपर दिया, तो दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो एज सच कोई नंबर अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ कि भाई इतने ऐसे पढ़ लो तो इतने नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नाउ तो फिर होता कैसा है? देखिए, एक बहुत बढ़िया एक कहावत है, द राइट आंसर इज ऑलवेज इन द मिडल। ठीक है, हर चीज का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन आपको यूज करना पड़ता है, उसके बाद भी आप रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई ऐसा ऐसा रिजल्ट इससे आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली बात तो फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, वर्क करेगी नहीं करेगी डजंट मैटर, लेकिन अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बना के उस पर वर्क नहीं करते हैं तो आप किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये डायरेक्शन राइट है, मैंने बात करी कि भाई अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज होकर गोल गोल घूम के वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक प्लान बनाइए। क्लियर, ये प्लान मैं नहीं बताने वाला, भाई हर बंदे का अपना अलग माइंडसेट होता है, हर बंदे का अलग मेंटल कैलिबर है, अपने हिसाब से प्लान बनाइए। ठीक है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि भाई 20% मोटिवेशन, 30% स्ट्रेटजी, 50% हार्डवर्क, आप लोग करते बिल्कुल इसका उल्टा। YouTube पे सक्सेस वीडियोस देख के, टॉपर्स की आंसर शीट्स देख के, टॉपर्स के बारे में पढ़ के, वो बहुत गरीब परिवार से थे, वो ये करते थे, वैसे करते थे, ये था वो था, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हर बंदा अमीर या गरीब, उसमें दिमाग भगवान ने उसके हिसाब से दिया है। गरीब बंदे में भी दिमाग हो सकता है और अमीर बंदे में भी दिमाग हो सकता है। ठीक है, तो भाई बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले भी टॉप आ सकते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले भी CBSE में टॉप आ सकते हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बेमतलब का मोटिवेशन जो यूट्यूब पे लेते रहते हो ना, ये मत लो। क्लियर, आप लोग किसका उल्टा करते हो, 50% मोटिवेशन स्ट्रेटेजी आप लोग बनाते हो, एग्जीक्यूट होती है नहीं होती बात खत्म, हार्डवर्क बिल्कुल नहीं करते। तो इसको उल्टा करो, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी स्ट्रेटजी और मेन आपका हार्डवर्क है। नाउ कुछ चीजें और जो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई परफेक्शन इज अ मिथ। ठीक है, आजकल एक जुनून चला हुआ है भाई हर चीज में परफेक्शन हासिल करने का, कि अगर आप परफेक्टली कोई काम नहीं करोगे तो दैट मीन्स कि वो गलत है। देखो, परफेक्शन तो नेचर में ही नहीं है। अगर जो परफेक्शन नेचर में होती, हम सबकी शक्लें एक जैसी नहीं होती, परफेक्ट बिल्कुल, कुछ भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, नेचर ने परफेक्शन को सिरे से नकार रखा है। भाई परफेक्शन कुछ नहीं होती, आपकी आपका जितना कैलिबर है, आप जितना हार्डवर्क कर सकते हैं उस पे आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो ये जो आजकल बॉलीवुड मूवीज और इन सब में वो जो परफेक्शन का वो जो जुनून छा रखा है ना कि परफेक्ट हर चीज परफेक्ट करो, ऐसे करो वैसे करो, तो ऐसा नहीं होता। परफेक्शनिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिक्स भी कहती है भाई कि 100% एफिशिएंसी नहीं आ सकती, कुछ ना कुछ हीट तो सराउंडिंग में लॉस होगी ही होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो पूरे आपके 100 out of 100 या 70 out of 70 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप अगर अच्छे से प्रिपेयर, आप अगर 100 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाएंगे ना या 70 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाएंगे ना, तो फिजिक्स कहती है कि आपके कुछ ना कुछ तो उसमें से कम होगा। वो बात अलग है, आपने प्रिपेयर ही 80 नंबर का किया था तो 70 नंबर आ गए। ठीक है, लेकिन परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, इसके पीछे भागना बंद करो। परफेक्शन कुछ नहीं होता। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं यहां पर कि आप परफेक्टली कुछ चीजें करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि भाई आज 10 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा, और अगर उस किसी भी वजह से आप उस 10 बजे पढ़ने नहीं बैठ पाते हो, अब तो कल से ही पढ़ूंगा। क्यों? वो जो परफेक्ट मुहूर्त आपने निकाला था, सो कॉल्ड, किसी से पूछ के निकाला था, खुद डिसाइड किया था, जो भी है, आपने वो जो परफेक्ट मुहूर्त निकाला था कि भाई इस मुहूर्त पे जो है ना मैं पढ़ना शुरू करूंगा, और वो मुहूर्त किसी तरीके से निकल जाता है, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है, अब तो कल ही पढ़ूंगा, चल दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ऐसा स्ट्रेटजी, कोई ऐसा टाइम अपने दिमाग में डिसाइड ना करें, क्लियर। दूसरी बात कि भाई मैं ये पढ़ के जा रहा हूं, कल एग्जाम में यही मेरे को मिलेगा और मैं लिख के पूरे नंबर लेके आऊंगा। जो अपने दिमाग में जो ड्रीम सीक्वेंस आप रन कर लेते हो ना मूवीज की तरह से, कि ये मैं पढ़ रहा हूं, सर ने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ लेता हूं, ये कल पेपर में आएगा और भाई मेरे नंबर आ जाएंगे। पॉइंट इज दिस, वो पेपर में आता ही नहीं कई बार, तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो इसलिए परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ो, ऐसा मत सोचो कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूं वो कल पेपर में आएगा। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पेपर में कल कुछ भी आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा, कुछ तो दिमाग मेरे अंदर है, इतना भी गया गुजरा नहीं हूं मैं, कुछ तो दिमाग मेरे अंदर है, कुछ तो लिख के आऊंगा ही आऊंगा। अच्छे से आंसर आता हुआ तो अच्छे से लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मुझे कुछ नहीं भी आता हुआ तो उससे रिलेटेड कुछ तो लिख के आऊंगा ही आऊंगा। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये परफेक्शन वाले काम करना बंद करें, ठीक है। फिर भाई कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, स्टडी हार्ड, स्लीप वेल, ईट प्रॉपर, वर्कआउट मॉडरेट। तो भाई पहली बात तो पढ़ना आपको अच्छे से है, ठीक है, अच्छे से सोना है। ये रात को 2-2 बजे तक जाग के दोस्तों से गप्पे मार के, भाई तूने कितना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, सर ने क्या बताया था, इंपॉर्टेंट ये है वो है, तेरी फाइल कंप्लीट हो गई, मेरी फाइल तो इतनी रह गई, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। अपने से मतलब रखो, स्टडी हार्ड, सोने के टाइम पे प्रॉपरली सो, 6 से 7 घंटे आराम से सो, योर माइंड नीड्स रेस्ट, ठीक है। ईट प्रॉपर, अच्छे से खाना खाएं, ठीक है, प्रॉपर कार्ब्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स सब कुछ लें, आपके ब्रेन को बहुत जरूरत होती है मिनरल्स की, जो कि आप नहीं लेते हैं, आप सिर्फ ये बॉडी बिल्डिंग के नाम पे प्रोटीन प्रोटीन के पीछे भागते रहते हैं। प्रोटीन इज गुड, अच्छी बात है, प्रोटीन का यूज करें, कार्ब्स प्रॉपर खाएं, मिनरल्स प्रॉपर लें, मिनरल्स से आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल होती है। वर्कआउट मॉडरेट, सारा दिन बैठ के पढ़ते ना रहें, आधा घंटा 1 घंटा बैडमिंटन खेल लो, वॉक पे चले जाओ, साइकिल चला लो, ऐसा कुछ कर लो, मतलब कि बॉडी को थोड़ा सा वर्कआउट भी दो। खाली बॉडी अगर आइडल सिटिंग करते रहोगे तो दिमाग के न्यूरॉन्स भी स्लो हो जाएंगे, ठीक है। आधा घंटा 45 मिनट करीब आपका दिन में वर्कआउट भी होना चाहिए। तो पूरी तरह से पागल मत हो जाओ नंबर लेने के लिए, पूरे साल तो कुछ किया नहीं, अब आखिरी के 2 महीने में वो जो जुनून चढ़ जाता ना कि भाई नंबर लेने नंबर लेने, प्लीज इससे बचो, ठीक है। अपने आप से एक रीजनेबल उम्मीद लगाओ कि मैंने पूरे साल ऐसा कुछ पढ़ा है, पूरे साल इतनी मेरी तैयारी रही है, तो अब मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आखिरी के 2 दिन में तुम कमाल कर दोगे, आखिरी के 2 महीने में तुम कमाल कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो बच्चा पूरे साल से मेहनत कर रहा है और एक बच्चा जो आखिरी के 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मेहनत करनी शुरू करता है, तो प्लीज उससे मुकाबला करना बंद करो, ठीक है। आपकी अपनी मेहनत है, आपने आपको खुद पता है कि आपने कितना टाइम दिया है, उस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी प्लान करो। चलिए तो बहुत हो गई बातें, अब कुछ प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि भाई आपका पेपर क्या है, कैसे आएगा, कितने मार्क्स का क्या चीज आएगी, कहाँ से पढ़ना है। आपकी सबसे बड़ी क्वेरी ये होती है कि सर ये बताओ तैयारी कहाँ से करें, तो इसका जवाब भी इस वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, तो आपके सिलेबस को हम बाइफरकेट करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के अंदर, कि भाई कौन सा टॉपिक कहाँ से कितने मार्क्स का आएगा, इसको हम अच्छे से बाइफरकेट करते हैं, इसको ध्यान से स्टडी कर लेते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भाई मेरे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपने टैब में स्टोर कर रखी है, इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ कि भाई क्या चीज़ें कौन सी चीज़ें कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है, इसके अंदर
जो आपका पहला पोर्शन बनता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर आपके फर्स्ट थ्री चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर थ्री। तो भाई ये सारा कुछ मिलाकर, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर थ्री मिला के जो है ना, ये आपको पूरा आने वाला है 16 मार्क्स का। उसके बाद जो आपका मैग्नेटिज्म है, मैं यहाँ पर पूरे एग्जैक्ट नाम यूज नहीं कर रहा हूँ, जो आपके सीबीएसई के चैप्टर्स के नाम और ये सब यूज नहीं कर रहा हूँ, दैट्स अ टाइम वेस्ट। आप सबको पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन से नाम से हैं, ठीक है। तो जो आपका मैग्नेटिज्म है, जिसमें कि आपका चैप्टर नंबर फोर और चैप्टर नंबर फाइव कवर होगा, दिस विल बी ऑफ दिस प्लस दिस, सॉरी यहां पर दो चीजें और है, ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर सिक्स और चैप्टर नंबर सेवन कवर होगा। तो इन दोनों को मिलाकर सेवनटीन मार्क्स का पेपर है। वैसे मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे दूं, एक रफ आइडिया बता रहा हूं मैं आपको यहां पर, जो मेरे हिसाब से बाइफरकेशन बनती है, जो कि सिलेबस चेंज होने से पहले जो होता था वो क्या होता था कि ये लगभग आपका 8 मार्क्स का आता था और ये आपका आता था 9 मार्क्स का ईएमआईएनडीसी। तो कुल मिला के ये 17 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स की, तो भाई ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स जो है आपका चौक का गया यार, तो ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स के अंदर जो है ना आपका क्या क्या चीज आती है, ये आपका टोटल इस बार दिया गया है 18 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, तो 8, 9 और 10 मिलाकर ये आपका दे रखा है इस बार 18 मार्क्स का। वैसे मैं इसकी बाइफरकेशन आपको बता दूं कि क्या होती थी, ये आएगा आपका ईएम वेव्स आएगा 3 नंबर का और ये लगभग 15 नंबर का, ठीक है। तो 15 मार्क्स का हो गया आपका ऑप्टिक्स। बात सबको समझ में आ गई। अब अगर बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है, ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सेमीकंडक्टर। ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और ये 14। तो भाई ये सारा मिलाकर आपका आएगा 19 मार्क्स का। तो ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस है कि भाई क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। अब कहोगे सर ये तो आपने टैब से देख के लिख दिया, इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ थी, ये तो डेटा था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो भाई ये डेटा था जो हमने यहाँ पर देख लिया, ये आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर असेंशियल है, जिसके बिना आप पेपर में नहीं जा सकते, ठीक है। अब जो बच्चे थोड़े से स्लो लर्नर हैं, जिनको ये कि सर बस पास करा दो, होता है, इसमें कुछ बुरा नहीं है,
और अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि सर मुझे तो बस पास करा दो, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम इसको अपने से कोई गलत उम्मीद तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे टॉप करना है, मुझे तब भी बहुत खुशी होती है। ठीक है, क्योंकि भाई वो अपने से उम्मीद लगा रहा है। ठीक है, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अपने से उम्मीद लगा रहा है, तभी तो मुझे बता पूछ रहा है मुझसे कि सर बता दो टॉप कैसे आना है। और कोई अगर मुझे कह रहा है कि सर मुझे तो बस पास करा दो, तो वो भी मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम बच्चे को अपने बारे में पता है। ठीक है, तो भाई जिनकी टॉप करने की इच्छा है, इच्छाएं सबकी होती हैं, जिसकी टॉप करने की इच्छा है वो तो ऑब्वियसली बात है पूरा सिलेबस ही करके जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई एसेंशियल कुछ नहीं है, उसको भाई पढ़ना ही पड़ेगा, उसको तो पढ़ना ही है, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता है कि भाई मैं सारा नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बता दो जिसमें से मैं आराम से पास हो जाऊं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं। देखो, मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी मच इजी, इसको मैं इजी के टारगेट में डालता हूं कि भाई ये आसान है, ये आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये इजी है, 19 मार्क्स की आ रही है। अब ईएम वेव्स तो इजी है, ईएम वेव्स तो इजी है, पर ऑप्टिक्स को मैं इजी नहीं कहूंगा। अगर ये किसी के लिए इजी है भी सही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगा, असेंशियल। ठीक है, ये करना ही करना है। तो भाई ये इजी तो है ही है, साथ में जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है ना वो असेंशियल भी है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बिना गति नहीं है आपकी, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। तो भाई सेकंड वाले पार्ट पर अगर फोकस करें तो ये काफी प्रोडक्टिव पार्ट है आपका, इसके अंदर आपके इजी पार्ट भी है और असेंशियल पार्ट भी है। अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी की, अगेन आई वुड कॉल इट एज इजी। इसको मैं इजी क्यों कहूंगा, क्योंकि जब 12th क्लास स्टार्ट हुई थी तो भाई मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया गया हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब क्लास नई नई स्टार्ट होती है ना तो बच्चे में एक जोश होता है पढ़ने का, हाँ 11th से बड़ी मुश्किल से पास होकर आया हूँ सर, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, स्टार्टिंग में जोश होता है, वो 2-3 महीने में ठंडा भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टॉपिक्स ना आपने बड़े जोश में और बड़े होश में पढ़ रखे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनसे आपका वो पुराना वाला रिश्ता होता है कि हाँ इससे तो हमारी 12th स्टार्ट हुई थी। तो दिमाग में ना इनके लिए एक अलग सी इज्जत होती है कि भाई ये इजी वाले टॉपिक्स है, ये मैं कर लूंगा, ये मैंने स्टार्टिंग में किए हुए हैं। तो उस फीलिंग के ऊपर बिल्डअप करो और भाई इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, इसके बाद भाई मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पर्सनल व्यू है, ईएमआई एंड एसी इज इजी, मैग्नेटिज्म को मैं साफ साफ कहूंगा डिफिकल्ट। तो भाई मैग्नेटिज्म को जो मैं साफ साफ डिफिकल्ट कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि भाई इसमें फॉर्मूलाज बहुत है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा, पर आना कुछ कुछ नंबरों का ही है। जैसे मैंने बताया मैग्नेटिज्म आएगा मात्र 8 नंबर का, ठीक है, लेकिन ये ऑप्टिक्स से भी बड़ा है। अगर आप इसके फॉर्मूलाज की एक लिस्ट निकाले ना, फॉर्मूलाज, ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, ये ऑप्टिक्स को पीछे छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन आना सिर्फ कितने नंबर का है, 8 मार्क्स का। ऑप्टिक्स नो डाउट लेंथी है, फॉर्मूलाज है, डेरिवेशन है, सब कुछ है, लेकिन 15 मार्क्स तो देगा, इसीलिए मैंने उसको असेंशियल बोला, दैट इज कॉल्ड एज असेंशियल, कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे सिर्फ इस उम्मीद पे जा रहे हैं कि बस पास करा दो, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक बात सिंपल कहना चाहूंगा कि इसको छोड़ सकते हैं मैग्नेटिज्म को आप लोग। जिसको टॉप आना है, जिसको अच्छे नंबर चाहिए, उसको तो सब कुछ ही पढ़ना है। ठीक है, जो बच्चा अगर ये कह रहा है कि भाई मुझे सिर्फ पास करा दो, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मैग्नेटिज्म को आप एक बार को छोड़ सकते हैं, पहले पूरा सिलेबस कर लो, उसके बाद जो चीज मैंने बताई है उसके बाद लास्ट में मैग्नेटिज्म को हाथ लगाना। इसमें से जितने नंबर आ गए अच्छी बात है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ये आएगा, इसको ढंग से पढ़ के चले जाना। ठीक है, तो भाई ये आपका एक पूरा मैंने सिलेबस का एक आपको आउटलुक दे दिया कि भाई इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो सारे बच्चे मतलब जो जो मतलब चाहते हैं कि भाई अच्छे नंबर आए, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बता रहा हूं तो अच्छे नंबर ही आएंगे, जो मेरा मानना है वो ये है कि भाई इन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करें, उसके बाद इधर, देन गो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन गो फॉर ईएमआई एंड एसी, और लास्ट में मैग्नेटिज्म को हाथ लगाए। ठीक है, अब जिसने टॉप मारना है भाई वो क्या करेगा, उसे कहां से पढ़ना। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर पढ़े कहां से।
तो भाई इस वीडियो में मैं कोई किताब, कोई सैंपल पेपर, किसी कंपनी का नाम, ऐसा कुछ नहीं लेने वाला, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। हमारी जो भारत सरकार है ना, ये आपके लिए बहुत कुछ करती है, ठीक है। तो भाई जो भारत सरकार आपके लिए कर रही है उस पर ध्यान दो। मैं आपको कुछ चीजें भी यहाँ पर, कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ध्यान से देखना तो आपको काफी चीजें यहाँ पर हेल्पफुल मिलेंगी। ओके, सो आपकी एक बहुत बड़ी क्वेरी रहती है कि सर क्वेश्चन कहां से आएगा, क्या आप पढ़ के जाओ। तो भाई सोर्स ऑफ क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ये कहां से आएंगे। चलिए मैं चौक बदल लूं। तो जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहला एनसीईआरटी बैग एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की जो बैग एक्सरसाइज है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी के अंदर आपको मतलब बैग एक्सरसाइज और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से करने, जैसे गॉस लॉ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली इसी से आते हैं, ठीक है। ईएमआई एंड एसी में क्वेश्चन, ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन, ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अब क्योंकि इस बार आपके पेपर में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से आना है, तो भाई ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। अगर आप अपने सैंपल पेपर, इनफैक्ट आपकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के लिए। इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली उसमें आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छे से पढ़ के जाएं, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अच्छे से करें, जो कि आपके एमसीक्यूज और जो आपके असर्शन रीजनिंग के अंदर आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सर ये तो सबने बता ही दिया था, कुछ अलग से बताओ कि भाई ये तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही है। मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा यहाँ पर टैब पे, कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा भाई करना क्या है, ठीक है। तो भाई सोर्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको मॉडिफाई करके, ठीक है, आप कोई भी बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर की प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे 11 12th में, जब हमने 10th और 12th करी, तो उस टाइम इसको बोलते थे 10 साल पेपर। मतलब क्या होता था कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स एक बुक के अंदर कंपाइल करते थे। बहुत सी कंपनीज के आते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहे हैं। उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन इसमें से एनसीईआरटी में से थे, कितने क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम्पलर में से थे। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इस बार के पेपर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कहां से क्या पढ़नी है। ये तो सबको पता ही था कि भाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि भाई और क्या पढ़े जिसमें कि आपका क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हिट हो सकता है, वो है आपका सीबीएसई स्टडी मटेरियल। तो भाई जो सीबीएसई स्टडी मटेरियल है ये कहां से मिलता है, क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने कहा था टैब में कुछ फोटोज मैं आपको शेयर करूंगा, ध्यान से देखिए। ओके, तो ये भी खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं, अच्छे से ध्यान से देखिए इस चीज को। ये आपका सीबीएसई मटेरियल है, ये आपको किसी भी केवी की वेबसाइट से मिल जाएगा। इस एक बुक जो है ना सीबीएसई ने रिलीज करी है, इस बार एक फाइल रिलीज करी है जिसके अंदर की आपके 399 पेजेस के आसपास है, ठीक है। इन 399 पेजेस के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए।
ये तो चिल्ड्रन का इंट्रोडक्शन हो गया, ये उन्होंने हर चैप्टर वाइज ये वेटेज जो मैंने अभी बताई ये सिलेबस दे दिया उन्होंने सारा। और इस बार के हिसाब से जो क्वेश्चन हैं, ये देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये जो आपने दिए है ना, इसको जो है ना आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इसके अंदर। ये अब यहाँ पर था, आई थिंक आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसका पहला ही पेज आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये आप एक स्टडी मटेरियल है जो कि आपको CBSE की वेबसाइट या केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो ये इसी बार के सेशन के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें आपके सारे MCQs, assertion, reasoning, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब कुछ आपको बताया गया है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, इसमें से हो सकता है कि शायद आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं भाई कि हमने इसके बारे में बात कर ली कि भाई हमारा जो है पढ़ना कहाँ से है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमने इंपॉर्टेंस देनी है। अब देखते हैं पेपर में आएगा क्या, पेपर का पैटर्न क्या है, किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। तो भाई आपका जो सैंपल पेपर रिलीज किया है CBSE ने, उसमें जो वेटेज दी गई डिफरेंट डिफरेंट चीजों की, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। यहां पर हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइपो नहीं होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसके बाद जो आपका वेटेज है वो कितना है इसका, और टोटल। इस टेबल को ध्यान से स्टडी करेंगे, इसके अंदर सबसे पहली चीज है हम बात करेंगे यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आता है आपका MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये इस बार के सैंपल पेपर में 15 दिए गए हैं, एक नंबर की इनकी वेटेज है, तो टोटल हो गया आपका 15 मार्क्स। इसके बाद आते हैं आपके assertion reasoning, AR। ये आपके मात्र 3 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच, तो आपकी जो वेटेज बनती है यहां पर 3 नंबर की बन जाती है। अब ऑब्जेक्टिव के नाम पे आपको लगता है कि सिर्फ MCQs और ये सब आएंगे, केस स्टडी को भी हम ऑब्जेक्टिव में डील करते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है, सब्जेक्टिव होता क्या है। तो अगर केस स्टडी की बात करी जाए तो इसके 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, सो इट इज टोटल ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कि भाई ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना। अब अगर बात करें सब्जेक्टिव वाले पार्ट की, आई थिंक फ्रेम के बाहर जा चुका होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रुको इसको चेंज कर देता हूं। This one is objective, और अब हम बात करेंगे यहां पर subjective के बारे में। चलिए subjective के बारे में अगर बात करी जाए तो जो आपके 2 markers आए, 2 mark question, आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, ये टोटल 7 आएंगे, हर एक की वेटेज 2 मार्क्स की है, और टोटल हो गया इसका 14 मार्क्स, ठीक है। जो आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये टोटल आपके आएंगे 5 क्वेश्चंस। तो भाई 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, तो कुल मिला के कितने बन गए 15 मार्क्स, और फिर आपके आएंगे 5 मार्क क्वेश्चंस। तो ये आपके टोटल 3 आएंगे,
आपका टोटल 15 मार्क्स। चलिए अब ध्यान देते हैं यहां पर। तो इसके अंदर आपने क्या देखना है कि भाई ये आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि भाई जब जिनमें सबका आंसर सेम होना चाहिए, यानी कि सभी का एक ही आंसर होगा तो उनको बराबर नंबर मिलेंगे। अगर सबने ऑप्शन ए टिक किया है तभी सबको आंसर मिलेगा, अगर अब सबने एक ही वर्ड यूज किया आंसर में तो उनको उसका मार्क्स मिलेगा। तो इट इज ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव है कि मतलब वस्तुनिष्ठ जिसे कहते हैं हिंदी के अंदर, कि आंसर इसके अंदर फिक्स होता है, सबको एक ही आंसर देना पड़ता है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं शो होती। क्रिएटिविटी किसमें शो होती है? सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं? सब्जेक्ट टू योर नॉलेज। ठीक है, एक 5 मार्क्स क्वेश्चन था, किसी ने एक पेज का लिखा, किसी ने 2 पेज का लिखा, किसी को उसमें 4 नंबर मिले, किसी को उसमें 3 नंबर मिले, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको आंसर देना होता है, दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का आपका पैटर्न ये है। तो इस पैटर्न को अच्छे से देखें तो भाई इस बार ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके लिए। अगर इसको ऐड करें तो 15 और 8 कितना हो गया आपका 23, 23 और 3 कितना हो गया 26 मार्क्स जो है ना वो आपके ऑब्जेक्टिव है, यानी कि फिक्स आंसर देने के हैं, तो पास होने की तो टेंशन नहीं। टॉप करने की बात करते हैं। सब्जेक्टिव जो है ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्टिव, यहां से 15 और 15 30 और 14 कितने हो गए 44 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, यानी कि आपको अपनी नॉलेज दिखाने के 44 मार्क्स मिलेंगे और सेम आंसर देने के आपको मिलेंगे 26, यानी कि सबका आंसर सेम होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो दोस्तों प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस टाइप से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपका स्लीप साइकिल क्या है, आप किस टाइम पे सोते हैं, किस टाइम पे उठते हैं, ये आपको बेटर पता है। मैं कोई इसमें प्रेडिक्शन नहीं करने वाला कि भाई ऐसे उठो, ऐसे करो, वैसे करो। जिसको दिन में उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, वैसे पढ़ो। जिसको लेट नाइट सूट करता है वो लेट नाइट करो, लेकिन भाई अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट दो और अपने से कोई गलत उम्मीद मत लगाओ। तो भाई लास्ट में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रॉपरली प्रिपेयर करें, अपने आप से गलत उम्मीद मत लगाएं, नंबरों की उम्मीद ज्यादा मत करें अपने आप से, जितने नंबर आ जाएंगे आपके लिए उतने अच्छे। नंबर कहीं मैटर नहीं करते लाइफ के अंदर, नॉलेज मैटर करती है। ठीक है, मैं तो खुद कभी ढंग से पास नहीं हुआ था बट स्टिल। तो भाई पॉइंट ये है कि अपने से गलत उम्मीद मत लगाएं, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, जो होगा सुटेबल है, जो होगा उसको आप स्वीकार करें, जो होगा उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।